स्वागत है हमारे यूपी लाइव 100 न्यूज पर। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों से। खबर है जनपद बहराइच से, इस वक्त की बड़ी खबर है, तेंदुए ने ली एक बच्चे की जान। जी हाँ, जनपद बहराइच से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। ग्राम पंचायत चंदरपुर विकास खंड बलहा थाना रनपारा के एक मासूम बच्चे हुई हत्या, तेंदुए ने किया हमले में। मौके पर वन विभाग की टीम पहुँच कर लिया जायजा। तेंदुए गन्ने के खेत में घुस गया, एक गाय को काटा। गाय कटने के बाद खेत में तेंदुए ने घुस गया, काफी ग्रामीणों में आक्रोश। वन विभाग की टीम रंजन साहब व सभी टीम मौके पर पहुंचे। नंदपारा पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन तेंदुए नहीं हुआ पिंजरे में कैद। तेंदुए गन्ने के खेत में, ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की टीम रिक्वेस्ट रेस्ट कर, वरना हम लोगों को धरने पर बैठ जाएंगे। वन विभाग की टीम रोडों के चारों तरफ, तेंदुए का कोई असर नहीं आ रहा है। जनपद बहराइच से अहमद हुसैन की रिपोर्ट। के बाद तत्काल जितने लगती है डाकों में, इसमें क्योंकि तमाम कागजात लगते हैं, पासबुक लगते हैं, आधार कार्ड लगते हैं, पीएम रिपोर्ट आने में समय लगता है, जैसे ही दे देंगे तत्काल हम लोग। बताया जा रहा है कि पिछले नानपारा, पिछले कुछ दिन पहले नानपारा रेंज के अंतर्गत भी ऐसे ही कई तेंदुए ने कई लोगों को हमला किया था। अगर जो वन विभाग इस पर सतर्कता बरतती तो फिर शायद ये घटना नहीं होती जा रही है, क्योंकि जंगल और गांव मेरे नज़दीक में है और तमाम एरिया में गन्ने वगैरह हैं, तो ऐसे देखते हैं विभाग पूरा सतर्क रहता है, जनता को जागरूक करता है गोष्ठी के माध्यम से, संसाधन के माध्यम से, कि आप लोग कहीं भी जाएं, खेत में जाएं, कैरिंग जाएं, एक चुप कर जाएं, दस आदमी होने लगाए जाएं, फांका लगाते हुए जाएं, और सारी सब हम लोग तरफ से कार्य करते हैं।